नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CBT। सी फॉर कॉग्निटिव, बी फॉर बिहेवियरल और टी फॉर थेरेपी। तो थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट, और इसमें जो कॉग्निटिव जो टर्म है वो रिलेटेड तो होती है थॉट से, विचारों से। तो कॉग्निटिव और बिहेवियरल ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इज़ ए कॉमन टाइप ऑफ टॉक थेरेपी। क्या है, एक तरह से इसमें बातचीत करी जाती है आपस में, जो क्लाइंट है उसके और जो थेरेपी दे रहा है साइकोथेरेपिस्ट उसके बीच में। और ये एक तरह से क्या है, साइकोथेरेपी है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इज़ ए कॉमन टाइप ऑफ टॉक थेरेपी और साइकोथेरेपी। CBT इज़ ए टाइप ऑफ साइकोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट। क्या है ये, साइकोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट है दैट हेल्प्स पीपल लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई एंड चेंज डिस्ट्रक्टिव और डिस्टर्बिंग थॉट पैटर्न। तो ये लोगों की सहायता करता है, ये कह सकते हैं कि क्लाइंट की, पेशेंट की सहायता करता है, जिससे कि वो अपने अंदर जो उसके डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी जो और डिस्टर्बिंग जो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो थॉट चल रहे हैं, उनको वो आइडेंटिफाई कर सके और उनको चेंज कर सके। दैट हैव ए नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर एंड इमोशन। जो ये जो डिस्टर्बिंग थॉट हैं और डिस्ट्रक्टिव थॉट हैं, ये क्या करते हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालते हैं किस पर, व्यवहार पर और इमोशंस पर। तो इनको वो आइडेंटिफाई करे, इनको देखे कि क्या मेरे अंदर ये नेगेटिव थॉट या डिस्टर्बिंग थॉट चल रहे हैं, और फिर उसका ट्रीटमेंट करे, उस थॉट को चेंज किया जाता है साइकोथेरेपिस्ट के द्वारा। तो यही एक तरह से ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहलाता है। अब आता है CBT जनरली फोकस ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम यूजिंग ए गोल ओरिएंटेड अप्रोच। स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर ये फोकस करती है, और इसका गोल ओरिएंटेड अप्रोच है कि इस CBT के बाद में क्लाइंट को क्या गोल अचीव होगा, उसके थॉट में क्या चेंजेस आएगा। तो ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम का है और गोल ओरिएंटेड अप्रोच है। नेक्स्ट है CBT में भी कंबाइन विद अदर थेरेपेटिक अप्रोच। अब CBT अकेले भी दी जा सकती है और जो थेरेपेटिक ट्रीटमेंट है उनके साथ कंबाइन भी दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल क्या है, इंटरपर्सनल थेरेपी। इंटरपर्सनल थेरेपी के साथ भी जाती है। इंटरपर्सनल थेरेपी में क्या होता है, विच फोकसेस ऑन रिलेशनशिप विद अदर्स। उसके जो क्लाइंट के औरों के साथ जो रिलेशनशिप है उन पर फोकस होता है, वो कहता है कहलाता है इंटरपर्सनल थेरेपी। तो CBT इंटरपर्सनल थेरेपी के साथ भी दी जा सकती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। टाइप क्या क्या होते हैं, तो CBT एनकम्पासेस ए रेंज ऑफ टेक्निक्स एंड अप्रोचेस दैट एड्रेस थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर। तो CBT क्या करती है, इसमें काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, काफ़ी सारी अप्रोचेज होती हैं, जिनका किससे लेना देना होता है, थॉट से, इमोशन से और बिहेवियर से। जो व्यक्ति किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसके जो थॉट हैं, इमोशंस हैं और बिहेवियर है, उस पर फोकस किया जाता है CBT के दौरान। तो इसके टाइप हैं, पहला है कॉग्निटिव थेरेपी, सेकेंड है डायलैक्टिकल थेरेपी बिहेवियरल थेरेपी, थर्ड वन है मल्टी मॉडल थेरेपी, एंड फोर्थ है रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो जैसे कॉग्निटिव थेरेपी है उसमें थॉट पे काम होता है, डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी में भी जो उसके थॉट हैं, विचार हैं, उनको समझा के उसको चेंज किया जाता है। मल्टी मॉडल थेरेपी में काफ़ी सारी जो थेरेपीज़ हैं वो कंबाइन यूज की जाती हैं। और रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी में क्या है, रैशनल दिया जाता है हर चीज़ के पीछे, एक लॉजिक समझाया जाता है। और रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी को हम REBT भी कहते हैं, REBT। तो ये हो गई टाइप ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। फर्स्ट कॉग्निटिव थेरेपी, सेकंड डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, थर्ड है मल्टी मॉडल थेरेपी, एंड फोर्थ है रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। नेक्स्ट है जो CBT है वो मोस्ट कॉमनली यूज टू ट्रीट एंजाइटी और डिप्रेशन। जो एंजाइटी और डिप्रेशन के केस हैं उनमें मेनली ये यूज की जाती है, बट कैन बी यूजफुल फॉर अदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो मोस्ट कॉमनली किस में यूज की जाती है, एंजाइटी में और डिप्रेशन में। अब आते हैं इसके यूजेस।
एडिक्शन है तो, एंजाइटी है तो, थर्ड है बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन में भी इसका यूज़ होता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं उनमें भी इसका यूज़ होता है, पैनिक अटैक्स हैं उनमें यूज होता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं तो उसमें CBT दी जाती है, फोबियाज में प्रॉब्लम विद स्ट्रेस, स्ट्रेस की कोई प्रॉब्लम है, स्लीप डिसऑर्डर है, PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजीज हैं तो उसमें, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD में, स्किजोफ्रेनिया में, सबस्टेंस यूज डिसऑर्डर में और सेक्सुअल डिसऑर्डर में इसका यूज़ किया जाता है CBT का। तो एक बार वापस से देख लें तो मेनली तो यह है कि इसको एंजाइटी और डिप्रेशन में दिया जाता है। इसके अलावा और कौन कौन सी यूज है, एडिक्शन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, फोबियाज, प्रॉब्लम्स विद स्ट्रेस, स्लीप डिसऑर्डर, PTSD, OCD, स्किजोफ्रेनिया, सबस्टेंस यूज डिसऑर्डर एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट आता है स्टेप इन CBT। अब CBT में क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं, तो फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग ट्रबलिंग सिचुएशन और कंडीशंस इन लाइफ। जो भी ट्रबलिंग सिचुएशन आ रही है और कंडीशन आ रही है लाइफ में, उसको आइडेंटिफाई करना सबसे पहले। तो फिर है बिकम अवेयर ऑफ थॉट्स, इमोशंस एंड बिलीव्स अबाउट दीज प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम आने के बाद में जो भी दिमाग में विचार आ रहे हैं, जो भी इमोशंस हैं, जो भी बिलीव्स हैं, उनके बारे में अवेयर होना कि वो किस तरह के थॉट आ रहे हैं। आइडेंटिफाई नेगेटिव और इनएक्यूरेट थिंकिंग। अब जो नेगेटिव और इनएक्यूरेट थिंकिंग आ रही है उस सिचुएशन को देख के, उसको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट है रीशेप नेगेटिव और इनएक्यूरेट थिंकिंग। फिर जो साइकोथेरेपिस्ट होता है वो क्या करता है, रीशेप करता है इनएक्यूरेट थिंकिंग को, और उस क्लाइंट को भी सिखाता है कि आप जो भी थॉट आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको देखिए कि वो इनएक्यूरेट थिंकिंग तो नहीं है, नेगेटिव थिंकिंग में तो नहीं है, और फिर उनको कैसे आप चेंज कर सकते हैं पॉजिटिविटी की तरफ और सही विचारों की तरफ। तो ये सिखाया जाता है CBT में। तो वापस से स्टेप देख लेते हैं इसका। फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग ट्रबलिंग सिचुएशन और कंडीशन इन लाइफ। सेकंड है बिकम अवेयर ऑफ थॉट्स, इमोशंस एंड बिलीव्स अबाउट दीज प्रॉब्लम। थर्ड वन है आइडेंटिफाई नेगेटिव और इनएक्यूरेट थिंकिंग। एंड फोर्थ करना क्या है, रीशेप नेगेटिव और इनएक्यूरेट थिंकिंग। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ CBT ए पर्सन कैन लर्न टू। अब CBT के दौरान एक व्यक्ति या एक क्लाइंट क्या क्या चीज़ें सीखता है। फर्स्ट है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम मोर क्लियरली। वो किसी भी समस्या को बहुत स्पष्टता से बहुत क्लियरली देख पाता है। डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ ऑटोमेटिक थॉट्स, और जो ऑटोमेटिक थॉट आ रहे हैं उनके प्रति अवेयरनेस उसके डेवलप हो जाती है, उनको अवेयर रहता है उनके प्रति। डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट्स एंड इरेशनल थॉट्स। अब जो फैक्ट हैं और इरेशनल, जिसके पीछे कोई रैशनल ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है, उनके बीच में वो डिस्टिंग्विश कर सकता है, उनके बीच में वो अंतर कर सकता है। अंडरस्टैंड हाउ पास्ट एक्सपीरियंस कैन अफेक्ट प्रेजेंट फीलिंग एंड बिलीफ। ये वो समझ सकता है कि जो उसके पहले के अनुभव हैं, पास्ट में जो उसके साथ घटनाएं हुई हैं, उनका जो अनुभव है उसका, उससे वो प्रेजेंट फीलिंग और प्रेजेंट जो बिलीफ है उसका कैसे प्रभावित हो रहा है, वो ये समझ जाता है। सी ए सिचुएशन फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और जो प्रॉब्लम है या सिचुएशन है उसको वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू करता है। बेटर अंडरस्टैंड अदर पीपल्स एक्शन एंड मोटिवेशन। जो अदर जो लोगों के जो एक्शंस हैं और जो मोटिवेशन है, वो उनको अच्छी तरह से समझ पाता है। डेवलप ए मोर पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग एंड सीइंग सिचुएशन। और वो ज़्यादा पॉजिटिव वे, पॉजिटिव तरीके इस्तेमाल करता है थिंकिंग के और सिचुएशन को देखने के लिए। पॉजिटिविटी से वो हर सिचुएशन को देखता है और उसके अंदर हौसला आता है कि वो हर सिचुएशन से इजीली बाहर निकल सकता है और उसको फेस कर सकता है। नेक्स्ट आता है अब CBT सेशन के बारे में बात करते हैं हम, कि CBT के सेशन किस तरह से दिए जाते हैं। तो CBT जनरली कंसिडर शॉर्ट टर्म थेरेपी। इसको शॉर्ट टर्म थेरेपी कहते हैं। द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट यूजुअली लास्ट फॉर बिटवीन 5 to 20 सेशन। जो इसका पूरा कोर्स है ट्रीटमेंट का, उसमें 5 से 20 सेशन होते हैं, और हर सेशन में, ई सेशन लास्टिंग 30 to 60 मिनट। हर सेशन कितना चलेगा, या तो 30 मिनट, आधा घंटा चलेगा, या फिर 1 घंटे चलेगा। तो आधा घंटे से 1 घंटे का टाइम हो सकता है हर सेशन का। और कितने सेशन होते हैं,
पूरे कोर्स में 5 से 20 सेशन हो सकते हैं प्रॉब्लम के हिसाब से कि उस व्यक्ति को पर्टिकुलर क्या प्रॉब्लम है। सेशन विद ए थेरेपिस्ट 1 से 2 वीक और 1 से every 2 वीक। अब जो थेरेपिस्ट है उसके साथ 1 वीक में 1 बार या फिर 2 वीक में 1 बार ये सेशन हो सकता है। तो CBT सेशन जो है वो CBT को हम शॉर्ट टर्म थेरेपी कंसिडर करते हैं, मानते हैं कि एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है। इसमें पूरे कोर्स में 5 से 20 सेशन होते हैं। एक सेशन में 30 से 60 मिनट का टाइम लगता है और जो सेशन होता है उस वो कब होता है, 1 वीक में 1 बार या फिर 2 वीक में 1 बार होता है। नेक्स्ट आता है लर्निंग टूल्स फॉर CBT। लर्निंग टूल्स क्या क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से टूल यूज़ करते हैं, तो रेगुलर 1-to-1 और ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन हो रहा है या फिर एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ डिस्कशन हो रहा है, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ या फिर दोनों ही हो सकते हैं, 1-to-1 भी और ग्रुप डिस्कशन भी। नेक्स्ट टूल है इसका फ्रिक्वेंट फीडबैक, जो भी बता रहा है साइकोथेरेपिस्ट उसकी फ्रिक्वेंट फीडबैक लेना कि उस पर्टिकुलर क्लाइंट को कुछ बात समझ में आई है नहीं। रोल प्लेइंग एक्टिविटीज़, रोल प्ले करके, रोल प्ले की जो एक्टिविटीज़ हैं या रोल प्ले करके बताना। वे टू काम द माइंड एंड बॉडी, ऐसे तरीके बताना जिससे कि माइंड को, मन को शांत किया जा सके और बॉडी को काम किया जा सके। होमवर्क असाइनमेंट, होमवर्क देना, असाइनमेंट देना। कीपिंग ए कॉग्निटिव बिहेवियरल डायरी, और एक कॉग्निटिव बिहेवियरल डायरी इसका टूल हो सकता है, तो ये टूल इसमें यूज़ किए जाते हैं। 1-to-1 डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन और कंबाइंड, फ्रिक्वेंट फीडबैक, रोल प्लेइंग एक्टिविटीज़, वे टू काम द माइंड एंड बॉडी, होमवर्क असाइनमेंट, कीपिंग ए कॉग्निटिव बिहेवियर डायरी। अब नेक्स्ट आता है मोस्ट पॉपुलर टेक्निक्स यूज्ड इन CBT। अब जो टेक्निक्स हैं, पहले हमने टूल पढ़े थे, अब टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ हो सकती हैं इसमें। तो पहला है स्मार्ट गोल टेक्निक हो सकती है इसकी, गाइडेड डिस्कवरी एंड क्वेश्चनिंग, जर्नलिंग, सेल्फ टॉक अपने आप से बातचीत करना, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, कॉग्निटिव जो थॉट है उनको रीस्ट्रक्चर करना, रीशेप करना, थॉट रिकॉर्डिंग एंड पॉजिटिव एक्टिविटीज़ एंड सिचुएशन एक्सपोजर। स्मार्ट गोल्स, गाइडेड डिस्कवरी एंड क्वेश्चनिंग, जर्नलिंग, सेल्फ टॉक, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, थॉट रिकॉर्डिंग, पॉजिटिव एक्टिविटीज एंड सिचुएशन एक्सपोजर। तो इन सभी टेक्निक्स में क्या होता है कि उसके व्यक्ति के दिमाग को क्लियर किया जाता है कि कैसे वो जो डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव थॉट्स में चेंज कर सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक था कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT। ये मेंटल हेल्थ इलनेसेस में दी जाने वाली एक थेरेपी है, लाइक साइकोथेरेपी, और इसको टॉक थेरेपी भी कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक कॉमन टाइप की टॉक थेरेपी है। तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति के थॉट हैं, इमोशंस हैं, बिहेवियर हैं जो डिस्ट्रक्टिव हैं उनको पॉजिटिव में रिशेप किया जाता है, और इसके पर्टिकुलर सेशन होते हैं जिनमें कि CBT दी जाती है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।